में हमारे माननीय सम्मान्य बिट्टा जी पधार चुके हैं, ताली बजाकर के आप उनका स्वागत करें। माननीय बिट्टा जी जो कि टेनिस एक बम विस्फोट में इनकी दोनों लेग्स इंजर्ड हैं और हम इनको भी परमियों के बाद माननीय बिट्टा जी को भी सुनना चाहेंगे। आशीष शर्मा जी, यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया वालों से जो प्लीज थोड़ा सा साइड में हो जाए, कुछ 3 मिनट की वीडियो है, चलाइए वीडियो चलाइए प्लीज। जब हमारे बहादुर जवान हमसे पहले यादव थे और जिस तरीके से मैंने प्रदीप भागवत जी को उनका कार्यक्रम देखा और बहादुर जवान जवानों को देखा और आज उस बहादुर जनरल रावत जी जिनकी अभी आप कमी है उनको याद करते हुए जब ये निकलते थे जब निकलते हैं एक बात अंदर से निकलती है, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शब्द लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अनजान की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हवेली को उठा रखी है। चाहे फौज की सेवा हो, चाहे सीमा सुरक्षा की सेवा हो, चाहे प्रदीप भागवत जी का हेल्थ के ऊपर, चाहे कोरोना काल हो या बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर मानवता को बचाने के लिए काम हो, ये सब मौत का कफन बांध करके किसी न किसी रूप में मातृभूमि की सेवा करते हैं। सवाल सबसे बड़ा आज हमारा ये है, कल मैंने कश्मीर के ऊपर जो पिक्चर आई है 20 साल के बाद मैं किसी सिनेमा हॉल में गया बॉर्डर पिक्चर देखने के बाद, बड़ा दर्द, बड़ी पीड़ा और आंखों में आंसू, किस तरीके से उस कश्मीर के अंदर जहां इतने सालों से हमारे जवान मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते रहे, कहीं तिरंगे झंडे का अपमान, कभी जवानों के पत्थर, कहीं कश्मीरी पंडित भाइयों को गोलियों और बमों से प्लान करके निकाल दिया गया, एक कतार में
खड़ा करके एक समुदाय के लोगों को फाइट में करके दूसरों को गोलियों का निशाना बना दिया गया। ना उसमें देखा बच्चा है, ना उसमें देखा माँ है, ना उसमें देखा बहन है, ना देखा मेरा पिता है, मेरा भाई, गोलियों का निशाना बना दिया। खून की नदियां बहती थी, बाल बाल मातृभूमि का अपमान होता रहा और हमारे जवानों की शहादतों के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लगभग खून की बॉडी उनके माता पिता उनके पत्नी और उनके बच्चों के सामने आती रही। और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हम लाखों के राजनीति करते रहे, हम अपनी राजनीति करते हुए हजारों जवान खो दिए, हजारों लोग खो दिए और किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर आज के 370 बार का मसला हल हो सकता है तो आज से 8 साल पहले भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्यों जवानों की शहादतें हुई? क्यों कश्मीरी पंडित भाई गुजर के आए? इसका कारण क्या था? इस तरह कोई नहीं है। आज किसी चैनल में इंटरव्यू दे रहा था, गोलियां बम को चलते हुए देखे, खून की नदियां बहती हुई देखी, दर्द भरे सीन तो देखे, पर एक चीज की कमी रह गई। ये आतंकवाद लाने वाले कौन थे? इनके जन्मदाता कौन थे? इनके पीछे कौन से पॉलिटिकल पार्टियां थी? इनके पीछे कौन से पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने कुर्सी और सत्ता की खातिर हर तरफ खून की नदियां बहा दी? कहीं पंजाब में खालिस्तान, कहीं कश्मीर की आजादी की बात, कहीं नक्सलिज्म। पाकिस्तान तो बाद में आया, पाकिस्तान की हिम्मत क्या है? हमारे जवान जवानों की तरफ देख करके कहीं आंख उठा के देख ले। वो कभी प्रदीप जी का एक बचपन का गाना था तो सुना करते थे, आजादी के वक्त तक कहनी है एक बात कहनी, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, उनकी गलतियों से बर्बादी हुई। पंजाब के अंदर 26,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जिसके बीच में 19,000 हमारे हिंदू भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया, बच्चों से निकाला, ट्रेन से निकाला, सिख भाइयों को छोड़ा, हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया, वो ही कश्मीर के अंदर हुआ। 370 धारा है, 70 साल की कैंसर की बीमारी जिसमें हमारे आर्मी के बहादुर जनरल रावण जी का बहुत बड़ा रोल था। ना दंगे हुए, ना गोली चली, ना बंदूक चला। शांत वही माहौल के अंदर 70 साल की कैंसर की बीमारी, वो नरेंद्र मोदी जी आए, मौत का कफन बांधा, एक पॉलिटिकल विल थी, वो शहादतों का बदला लिया और 370 धारा हटा करके एक तिरंगा, एक जनगण, जनगण का एक अभियान पूरी दुनिया में बता दिया। यहां 2 घंटे नहीं होंगे, एक घंटा तिरंगा झंडा होगा। तो पहले क्यों नहीं हुआ? कौन जिम्मेदार थे उन शहादतों के? कौन जिम्मेदार थे जिन्होंने कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां से निकाला? कौन थे गोलियां चलाने वाले? कौन थे बम चलाने वाले? कौन था यात्री मरे? जो पिक्चर में मैंने रोज देखा आतंकवादी था, वो यात्री मरे था। जो पिछले काफी समय पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर को मिला जाता है, लाल कार्पेट के जरिए स्वागत होता है, हजारों बेगुनाहों का कातिल, हजारों जवानों को शहीद करने वाला, हजारों बहनों के त्योहार गाड़ने वाला, हजारों कश्मीरी पंडितों को उजाड़ के वाला, ये पहले की राजनीति की पीएम हाउस में स्वागत किया जाता है। क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ जाती है, जब प्रथम राष्ट्र भूल जाते हैं, तो फिर उसके बाद आतंकवादी इस तरीके से सिरफरा करते हैं। पंजाब के अंदर आतंकवाद आया, हमने अपनी आंखों से देखा।
जब पहला बम चला 83 के अंदर भिंडरा वाला हरमंदर साहब के अंदर से क्या कहते हैं, तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, एक तरफ चलने वाला भाग, एक तरफ हरमंदर साहब गुरु महाराज की पवित्र नगरी, जहां हिंदू जहां मुसलमान जहां सिख जहां ईसाई नमस्तक करता है। कहा इस बार पतंगा गलत नहीं मनाने दी जाएगी, मनाओगे तो बंगों से उड़ा दिए जाएंगे। हमने 40 को कबूल किया, हमने 7 साल की उम्र में जले वाला भाग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की उस लाल खून की मिट्टी पे छपक रही थी, आजादी इन शहीदों ने लेके दे दी। कभी जिंदगी में आजादी की रक्षा की जरूरत पड़ी, माओ का कफन बांध करके मातृभूमि के चरणों में जीवन देके इम्तिहान का वक्त आया। 15 अगस्त आजादी का दिन, तिरंगे झंडे का अपमान, तब चले हमने कहा बम चले या गोलियां चले, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे पहले की तरह। बम फेंका जाता है, बम इसलिए फेंका जाता है कि हम आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा न करें, हम आजादी की रक्षा न कर सकें। 12 बजे तिरंगा झंडा लहराया जाता है और आतंकवादी अंदर से कहते हैं कि आप तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा दें। हम वंदे मातरम बोलते हुए तिरंगा झंडा लहराने के बाद 5 बजे तक नीचे पहरा देते हैं और तिरंगे झंडे को जब सूर्य डूबने लगता है, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए झंडे पे लगा के गिर जाते हैं। अभी जो चर्चा हो रही थी, नाना सिंह जी और यादव जी चर्चा कर रहे थे, प्रथम रात फिरते के अंदर वंदे मातरम भारत माता की जय होनी चाहिए, बम गोलियां भी दूर भाग जाते हैं। वंदे मातरम और भारत माता जय में इतनी बड़ी शक्ति, आज देश के अंदर आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल हुआ है, पर हमें अभी भी सुचेत रहना है इन लोगों से। ये कश्मीर के ऊपर पिक्चर दिखाने के बाद जो जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां और जो जो संस्थाएं विरोध कर रही हैं, वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं। वो कहते हैं जिंदगी की हकीकत बतानी नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं आतंकवाद लाने में कौन कौन पॉलिटिकल पार्टनर जिम्मेदार थी, वो देश की जनता की आने वाली जनरेशन को बतानी चाहिए कि कौन आतंकवाद के वो राजनीतिक चेहरे थे। हम राजनीतिक चेहरे को छुपा जाते हैं। पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है? ये पॉलिटिकल टेररिज्म होता है, एक टेररिज्म होता है गोलियों बमों का सामने जो हमारे जवान लड़ते लड़ते शहादत का जाम पी जाते हैं, एक होता है पॉलिटिकल टेररिज्म चेहरे पीछे होते हैं और आगे आतंकवाद होता है। आज आप देखो चाइना है, पाकिस्तान है, नक्सलिज्म है। चाइना कितना बड़ा कंट्री, दुनिया को घबराती है पर हिंदुस्तान नहीं घबराता। मातृभूमि मजबूत है क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपातकालीन सेवाओं की सुरक्षा के ऊपर 56 इंच की छाती लेके खड़ा हो जाता है और चाइना को बताता पहली गोली हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सीना पार करके फिर मेरे जवान की तरफ जाएगी, ये आपका हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। सवाल बीजेपी कांग्रेस से भी अब जीती है या नहीं, सवाल प्रथम राष्ट्र का है और हर के अंदर से आवाज यही निकलनी चाहिए, तेरा वैभव कम रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। तो मैं आज के दिन प्रदीप जी मैं आपको बहुत आभारी हूं कि आपने ये क्रांति एक आंदोलन एक अच्छी टीम को लेकर के मानवता की सेवा के लिए निकले हैं। हम भी आपके साथ हैं और हमेशा आप आगे बढ़िए, इस राष्ट्र की सेवा करें और हम मिलकर के इस मातृभूमि की रक्षा के लिए काम करते रहेंगे।